जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोनावला का नाम तो आपने कहीं न कहीं सुना ही होगा। यह भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। अगर आप पुणे और मुंबई के पास प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर जगह की तलाश में हैं, तो लोनावला आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त जगह हो सकती है। लोनावला में हनीमून से लेकर पारिवारिक छुट्टियों और दोस्तों के साथ मौज मस्ती तक लोनावला महाराष्ट्र की सबसे अच्छी जगह है। लोनावला की सबसे मशहूर मिठाई चिक्की बहुत मशहूर है। अगर आप यहां आएं तो चिक्की खाने का आनंद जरूर उठाएं। अगर आप सावन या सर्दियों में यहां आते हैं तो आपको लगेगा कि आप प्रकृति के बेहद करीब हैं, जहां आप अद्भुत झरनों का मजा ले सकते हैं। यह जगह आपके लिए हमेशा एक अच्छी याद बनकर रहेगी। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित लोनावला घूमने के लिए बहुत ही आकर्षक जगह है। यह 622 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खूबसूरत लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यह हिल स्टेशन सह्याद्री पर्वतमाला पर स्थित है, जो यहां आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेता है। हरी भरी घाटियां, शांत खूबसूरत झीलें और झरने इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। लोनावला पुणे और मुंबई के बीच, पुणे से 65 किलोमीटर और मुंबई से 83 किलोमीटर की दूरी पर और खंडाला से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोनावला में घूमने की जगहें राजमाची पॉइंट, लोनावला रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर दूर, खंडाला में घाटों के शुरुआती बिंदु के पूर्व में पुणे मुंबई राजमार्ग पर स्थित है। राजमाची पॉइंट लोनावला और लोनावला के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। राजमाची पॉइंट का नाम इस तथ्य से पड़ा है कि महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का राजमाची किला इस राजमाची पॉइंट के सामने स्थित है। राजमाची पॉइंट राजमाची किले के आसपास की घाटी और झरनों का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। राजमाची पॉइंट में एक सुंदर मंदिर और बच्चों के लिए एक सुंदर पार्क है। राजमाची पॉइंट फिल्म निर्माताओं के लिए भी एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहां का शांत और हरा भरा सुहावना वातावरण पर्यटकों को भाव विभोर कर देता है। भारत का 14वां सबसे ऊंचा झरना लोनावला में स्थित है और बरसात के मौसम में एक प्रमुख आकर्षण है। इस झरने को कुने के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई 660 फीट है, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में कुने नामक गांव के पास स्थित है। यह प्रसिद्ध झरना लोनावला में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। फॉल्स 200 मीटर की ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है, जो बेहद खूबसूरत और आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है। कुने फॉल्स खंडाला रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर और लोनावला से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां आने वाले पर्यटक झरने में स्नान और तैराकी जैसे लोकप्रिय आकर्षणों का आनंद लेते नजर आते हैं। टाइगर पॉइंट मानसून के दौरान लोनावला में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय और सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यह जगह लोनावला शहर और एमबी वैली के बीच स्थित है। जब आप एमबी वैली की ओर यात्रा शुरू करते हैं तो यह जगह पहाड़ों के बीच में आती है। लोनावला की ये वही मशहूर जगह है जहां अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की वेलकम फिल्म की शूटिंग हुई थी। अगर आप मानसून के दौरान टाइगर पॉइंट जाएंगे तो आपको इसकी खूबसूरती बेहद पसंद आएगी। इसके साथ ही आपको यहां झरना भी देखने को मिलेगा। टाइगर पॉइंट फोटोशूट के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। लोनावला के प्रमुख आकर्षणों में से एक पावना झील पावना बांध के पानी से बनी एक कृत्रिम झील है, जो लोनावला के बाहरी इलाके में स्थित है। लोनावला के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से एक यह झील पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पावना झील के आसपास का सुंदर वातावरण और प्राकृतिक हरियाली एक अद्भुत पिकनिक स्थल बनाती है। लोनावला और लोहागढ़ किले से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पावना झील लोनावला शहर के केंद्र से सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर है। यह जगह ज्यादातर कैंपिंग के लिए जानी जाती है। 26 जनवरी 2020 से यहां नौकायन और अन्य जल क्रीड़ा गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अगर आप झील के किनारे कैंपिंग, समुद्र तट पर कैंपिंग, आसमान में पानी का आनंद लेते हुए झील के बगल में टेंट में कैंपिंग की तलाश में हैं, तो आप खूब मजा कर सकते हैं। मानसून में घूमने के लिए लोनावला के पास लेक कैंपिंग सबसे अच्छा विकल्प है। लोनावला की यात्रा के लिए यदि आपने हवाई मार्ग का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें कि पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लोनावला के सबसे निकटतम हवाई अड्डा है, जो कि लोनावला से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोनावला जाने के लिए यदि आपने रेल मार्ग का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें कि लोनावला टूरिस्ट प्लेस का अपना रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। अगर आप सड़क मार्ग से लोनावला की यात्रा करना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोनावला हिल स्टेशन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर स्थित है। यह खोपोली, करजत, तलेगांव और दाभाड़ा जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप बस द्वारा लोनावला आसानी से पहुंच सकते हैं।